हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मथुरा टेक्निकल चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी आईडी डिसेबल हो गई है तो आपको क्या करना है जिससे कि आपकी फेसबुक आईडी रिकवर हो जाए। दोस्तों, जब आपकी आईडी डिसेबल हो जाती है और जब आप लॉगिन करते हो तो आपके पास गो टू हेल्प सेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अपील सबमिट नहीं कर पाते हैं। और जब हम लिंक सबमिट कर रहे हैं तो एरर आ रहा है और हम फेसबुक की तरफ से एक मैसेज शो होता है, ऑलरेडी रिव्यू कर लिया है, हम आपकी आईडी ओपन नहीं कर सकते हैं और दोस्तों ना ही कंफर्म आइडेंटिटी और माय अकाउंट वॉज डिसेबल पर जाकर सबमिट हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है जीमेल अकाउंट पर और मेल कंपोज करना है। फ्रॉम में आपकी मेल आ जाएगी, टू में आपको डिसेबल एट द रेट सपोर्ट डॉट फेसबुक डॉट कॉम एंटर करना है और सब्जेक्ट में आपको लिखना है माय फेसबुक अकाउंट डिसेबल। और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो लिखना है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आपको कॉपी कर लेना है। और अटैचमेंट में आपको अपनी आईडी अटैच करनी है। यानी कि कोई एक गवर्नमेंट आईडी लगानी है और उसके बाद सेंड कर देना है। जब आप सेंड कर देंगे तो आपके पास दो दिन के अंदर जवाब आ जाएगा। अगर आपका गवर्नमेंट आईडी आपकी फेसबुक आईडी से मैच करेगा तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।